एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार किसी और ने किया हो और फंस कोई और गया हो। संतु, तुम हमें उस पार्टी का सीसीटीवी फुटेज दोबारा दिखाओ। इतना अंधेरा है, क्या खाक पता चलेगा इसमें से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। नहीं मैडम, हमारे पास लॉबी वाली फुटेज भी तो है। तो वो कब दिखाओगी? जब आप बोलोगे। ओह, ये मासूमियत अचानक से। अभी दिखाओ संत। हाँ? एक मिनट, ये कौन है? ये कौन भागा? ये लड़का कौन भागा? मुझे नहीं पता। चुप रहो। ये इस लड़के के बारे में पता लगाना होगा। ऐसे कैसे भागा ये? इसका मतलब ये है मैडम कि अकस्मा तो सच में बेकसूर है। नहीं चीते, जब तक असली गुनेगार साबित नहीं हो जाता तब तक कानून की नजरों में सब गुनेगार ही रहेंगे। आकाश शर्मा अभी भी शक के दायरे में है। मीरा और संतु, जैसे डिसाइड हुआ था कल आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बनके, और पुष्पा जी कल आप हमारे साथ आएंगे। जी, हम भी देखते हैं ये छोटा पॉकेट शाहरुख खान का चीज है। मैं कबूल सर। अरे इधर भी देख लो, आइए। हेलो सर, न्यू स्टूडेंट, आई एम सुनिधि। एंड आई एम श्रेया। वेरी गुड, आप बैठो बैठो बैठो। मेरा मैडम, इनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना। ओके। What? क्या कर रही हो? ढंग से करो, ढंग से नहीं पिटाई कर दूंगा, समझे? मिस सुनिधि सर। सुनिधि, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अरे तुमने तो कुछ लिखा भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आप कम ऑन, डरो मत, घबराओ मत, आ जा आ जा, जा, जा। शाबाश, कम ऑन। ये लो करो, सॉल्व करो। अरे मैं बताऊंगा, समझो। हाँ करो करो। सर, कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ, क्यों नहीं, करो करो। सुपर। आज का क्लास खत्म होता है, आप लोग जाइए। सुपर, बहुत ब्रिलियंट हो, मान गए। मैं क्या बोलता हूँ सुनिधि, यू नीड एक्स्ट्रा क्लास। आप ना मेरे केबिन में आके उससे मिलो, ठीक है? यस सर। कम। क्या हुआ संतु, क्या छुपा रही हो तुम? मैं जानता हूं तुम स्टूडेंट नहीं हो, पुलिस वाली हो। टीचर हूं, स्टूडेंट को पहचान लेता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सुमुखी वाले मामले की जांच करने आई हो। सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने क्या किया बेटी? मैंने कहा था ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, फिर क्यों? क्योंकि सर, हमारी सोसाइटी को सुमुखी जैसी लड़की की कितनी जरूरत है ये तो मुझे नहीं पता,
हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि आप जैसे आइडियल टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस करने को तैयार है। संतु जीते, मास्टर जी को उनके घर पर छोड़कर आइए पूरे सम्मान के साथ। जी मैडम। आइए सर। सर आइए। आई एम आल्सो सॉरी सर। अब ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़कर गई है। भाई मैया की तो कब फटोगी? मैं कोई पटाखा नहीं हूँ जो फटूंगी। बको, तजुर्बा कहता है हमारा कि जिस तरह एक बार धोखा देने वाला दोबारा धोखा जरूर देता है, उसी तरह एक बार चोरी करने वाला भी दोबारा चोरी जरूर करता है। सब अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, इसलिए अगर सच को बाहर लाना है तो झूठ को दोबारा मौका देना होगा। तुम और तुम नहीं आई हो हमारे दरबार में, यहाँ आओ। हाँ वही, अब बताओ क्या समस्या है बड़ी बहन? दीदी हमें ना आपकी मदद चाहिए थी। जरूर मदद करेंगे, बताओ समस्या क्या है बहन? वो मेरे एक टीचर हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे थे वो, तो मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करा दी। तो चाहती क्या हो बहन? आप बस हमें उस टीचर से 2,00,000 रुपए दिलवा दीजिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपका जो बनता है वो तो सर आंखों पर हमारे। एक बात बताओ, ये जो कुछ भी कहा ये सब सच में हुआ था या ये लड़की झूठ बोल रही है? टीचर को झूठे इल्जाम में फंसाए हैं। हाँ झूठे इल्जाम में फंसाए। अरे तो ये हुई ना बात। बस पुष्पा जी किसी तरह ये मोर्चा संभाल लीजिए, फिर बाजी अपना। बहुत बढ़िया। रुको, एक फरियादी को हमें फोन करना है। हेलो करिश्मा जी, काम हो गया, सुमुखिया और उसकी माँ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बहुत बढ़िया, अब आगे का प्लानिंग सुनिए पुष्पा जी। अरे मगर इस सब की क्या जरूरत है, अब तो गुनाह कबूल कर लिया ना। जितना कहा जा रहा ना पुष्पा जी उतना कीजिए। जय हिंद। हाँ हाँ, कभी हमारी कोई बात मानती हैं आप? जय हिंद। अब सुनो हमारी बात, जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करो। 2,00,000 क्या, पूरे 5,00,000 निकलवा के देंगे तुमको। जी हाँ दीदी, बताइए क्या करना है, हम वही करेंगे। आज रात तुम अपने टीचर के कोचिंग क्लासेस जाओगी, उनसे माफी मांगने का नाटक करोगी। जैसे ही तुम दोनों अकेले होंगे वहां की लाइट फिर से चली जाएगी, तुम चिल्लाना शुरू कर दो बचाओ बचाओ बचाओ। हमारी महिला टोली बाहर पहले से तैनात रहेगी, जैसे ही तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनेगी पूरी टीम अंदर आ जाएगी और उस टीचर को पकड़ लेगी। बस तो फिर क्या, इज्जत बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये भी करेगा। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। जीते रहो जीते रहो। देखिए आप लोग ठीक से समझ गए ना कि आप लोगों को क्या करना है? हाँ हाँ समझ गए। हाँ हाँ समझ गए समझ गए, समझदार लोग हैं, देखो शक्ल से लग रहे समझदार है कि नहीं बहन? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लेकिन फिर भी याद दिलाना तो हमारा काम है ना। देखिए आप लोग वहाँ पर जाएंगे और अंदर आते ही वो आपसे माफी मांगना शुरू कर देंगे, वापस वो पूरा रिपीट होगा सर। लाइट जाएगी, अंधेरे का फायदा उठाने के लिए सुमू की जो है आप पर छेड़छाड़ का घटिया इल्जाम लगाएगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि इस बार हम सब है आपके पास। ठीक है, इस बार अंधेरे में आप खड़े नहीं होंगे, इस बार अंधेरे में हमारी मीरा मैडम खड़ी होंगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलिए मान चलिए चलिए। शर्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, हमने इतनी घटिया
इल्जाम लगाया आप जैसे देवता स्वरूप इंसान पर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर। ठीक है कोई बात नहीं, माफ किया। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, पैर पकड़, सर से माफी मांग। हाँ सर, I'm really very sorry. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आप जैसे इतने अच्छे इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। हाँ हाँ भाई ठीक है, माफ किया। दिल से माफ कर दिया? अरे भाई दिल से माफ किया। अरे सुमुखी कहाँ गई? हाँ अरे मेरी बच्ची कहाँ गई, यहाँ ही तो खड़ी थी। हाँ हाँ मैडम सुनिए, हो गई आपकी नौटंकी, यहाँ पे खड़े होकर हमने सब देख लिया। अरे नहीं नहीं मेरी बेटी यहाँ मेरे साथ खड़ी थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। सर कहाँ गई मेरी बच्ची? बस अब ऑटो पकड़ी नहीं, सब देखा है हमने। ये आपका नया कोई जाल है इनको फंसाने का ना, ये माँ बेटी का जो ड्रामा है ना, इसको अभी खत्म कीजिए। अरे नहीं नहीं यहीं पर ही थी मेरे साथ दीदी, पक्का आप सबने गायब किया है मेरी बच्ची को। देखिए बस बहुत हो गया, बुलाइए अपनी बच्ची को, बुलाइए अभी बुलाइए। अरे लेकिन अगर आपने मेरी बच्ची को गायब नहीं किया, मेरी बच्ची कहाँ गई? हमारा ड्रामा है ये माँ बेटी का, साफ साफ दिख रहा है कि ये ड्रामा कर रही है। हमें जो चीज देखनी थी वो हम देख चुके हैं, जो सबूत हमको चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमारे प्लान में तो सुमुखी का गायब होना ही नहीं था, कहीं ये माँ बेटी हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है। हाँ एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, महिला पुलिस थाने वालों को लगता है कि सुमुखी और उसके मॉम नाटक कर रहे हैं और अभी उनका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इडियट हो तुम और तुम्हारे वो महिला थाने वाले, कितना आसान है ना तुम लोगों को बेवकूफ बनाना। अब कौन विश्वास करेगा तुम पे और तुम्हारी माँ पे, कौन मानेगा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है और वो भी मैंने किया है। हमें भी मिलवा दो उसे, बहुत मेहरबानी हो। मैं आपको एड्रेस ही दे देती हूँ ना। निशा को ये पता चल गया था कि करिश्मा सिंह तुम्हें और तुम्हारी माँ को लाली माँ के पास भेज रहे, और ये बात निशा ने मुझे बताई। हेलो राहुल इनका प्लान सुनो, आज रात तुम अपने टीचर के कोचिंग क्लासेस जाओगी, उनसे माफी मांगने का नाटक करोगी, जैसे ही तुम दोनों अकेले होंगे वहाँ की लाइट फिर से चली जाएगी। आपने सही कहा था मैम, उसने फिर से हमें एक दूसरी जगह लाइट ऑफ करने को कहा है। और फिर मैं भेष बदल कर वहाँ पहुँच गया ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हारा किडनैप कर लूं। शर्मा जी आप? मैडम जी हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप। मुझे लगता है कि शालिनी जी इस बार झूठ नहीं बोल रही हैं। उन्हें वाकई में नहीं मालूम कि उनकी बेटी कहाँ और किस हालत में है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? शालिनी जी मेरे पास आई थी, वो काफी परेशान थी, बहुत रो रही थी, माफिया मांग रही थी मुझसे। उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए काफी शर्मिंदा थी। मैंने भी दुनिया देखी मैडम, इस बार वो झूठ नहीं बोल रही हैं। सुमुखी वाकई में गायब है। ए, चुप बैठ। करिश्मा सिंह को शर्मा सर की बात पर यकीन हो गया है कि सुमुखी का किडनैप हुआ है, इसलिए हमें ये सारे सबूत मिटाने होंगे जो करिश्मा सिंह को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सुमुखी का करना क्या है? ये तो बहुत जल्द वायरल होने वाली है, दुनिया भर में बस इसी के फैंस होंगे, हर कोई बस इसी का दीवाना होगा। मुझे ब्लैकमेल करने चली थी, अब देख मैं तुझे कैसे ब्लैकमेल करती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे दोस्ती में धोखा देने का, हम दोनों मिलकर तेरी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज आई एम वेरी सॉरी प्लीज। शर्मा जी के केबिन में वो एक औरत जो लाइट आने से पहले नजर आ रही थी और लाइट आने के बाद वहां से गायब हो गई थी, उस औरत का पता चल गया। क्या बात करी है? हमने उसका फोन नंबर ढूंढ निकाला, उसके साथ बात की, तो पता है उसने क्या बताया? क्या बताया? उसने बताया कि हमने लाली माँ के दरबार में उसके भक्त बनने के लिए जिन औरतों को बुलाया था वो उसमें से एक थी, मगर एक लड़के ने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो लड़का खुद
साड़ी पहनकर उसकी जगह पे खड़ा हो जाए। मतलब ये कि सुमुखी का अपहरण हुआ है और उस लड़के ने किया है जो वहाँ पहले से मौजूद था साड़ी पहनकर। पता चल गया हमें अपहरणकर्ता के बारे में पता चल गया। आप एक काम कीजिए, आप शर्मा जी को जल्दी बुलाइए और सुमुखी के जो बाकी दोस्त हैं उनके बारे में तफ्तीश कीजिए। पुष्पा जी। हाँ जी। चेहरा दिखाइए। रुको। कितना शर्मिंदगी का बात है, एक औरत होने के नाते कभी सोचा है आपने? आप जैसी ना समझ औरतें जो इतना आसानी से किसी भी मर्द पर इल्जाम लगा देती हैं और फिर उतना ही आसानी से बोल देती कि हाँ हमसे गलती हो गया, उस गलती की वजह से आपको पता सामने वाले पे क्या बीतती है, कभी सोचा इसके बारे में? उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है, उसके घर वालों के सामने ना उनकी नजरों में गिर जाता है वो आदमी, और फिर उसके घर वाले अलग बाकी सबके नजरों में गिरते हैं, वो बात अलग। घुसा भेजे में कुछ आपके? हाँ मैडम जी, हमें सच में माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा सर, आप भी हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है सर। सॉरी मैम, आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैडम, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सैल्यूट। फिर आपको जहाँ जाना है हम ले चलेंगे। चलिए। अरे मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये डिलीवरी करना है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप हमारे साथ पहले डॉक्टर के पास चलिए। आइए, कुछ नहीं होगा। चलिए मैडम, चलिए पहले डॉक्टर के पास चलिए। आप बैठिए गाड़ी में, बैठिए। आप हसीना मलिक है ना? एसएचओ महिला थाना, काफी सुना है आपके बारे में। जी, और आप? सत्या चौबे। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं, गलती मेरी थी, मैं जल्दी में था। लेकिन आप इतनी जल्दी में हैं ही क्यों? मैडम, ये डिलीवरी मुझे सही जगह पर सही समय पे पहुंचानी है। अपने काम के लिए डेडिकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैडम, अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी क्यामत आ ही जाएगी। बस आइए। अगर पुलिस जीप यहां है, इसका मतलब वो दोनों इसी हॉस्पिटल में गए। अरे, आप अंदर कहाँ जा रहे हो इस वार्ड में? जी, वो वार्ड में एक पेशेंट है, तो हम उसी को मिलने जा रहे हैं। बस उसी से थोड़ा। जी। अरे जरा संभल कर चलना, अभी मेरी दवाई गिर जाती तो। नर्स। और तुम लोगों को इतना क्या जल्दी है, पेशेंट है, पेशेंट भी तो देखो ना।
बदनामी मैडम सर। मैडम सर जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। ये तो सत्या का बैग है, यहाँ कैसे आया? मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी क्यामत आ ही जाएगी। ये तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? बता हार्ड डिस्क कहाँ है? किस हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने पूछा हार्ड डिस्क कहाँ है? बोल। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? आपके बताए हुए नाम और हुलिये के हिसाब से कोई इंसान नहीं मिल रहा है। नो मैच फाउंड। क्या ये कैसे हो सकता है? उसने अपना नाम तो यही बताया था हमें। इज इट पॉसिबल कि आप उसका नाम भूल रही हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमें अच्छे से याद है। उसने अपना नाम बताया था, सत्या चौबे। तो हो सकता है कि वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा हो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? तेरी बात का विश्वास करूं? नाम बदल बदल के रखता और विश्वास की बात करता। ले विश्वास, विश्वास, विश्वास। सच सच बता, हार्ड डिस्क कहाँ है? वरना जिंदा गाड़ देंगे यहीं पे, समझा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो। जाने दो, वो जो कोई भी है वो हमें तो जानता है। जानता है कि हम उसे कहाँ मिलेंगे, तो हो सकता है कि वो ये हार्ड डिस्क ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। लेट्स होप। ओके अम्मी, हम घर आ गए। लेट नाइट वॉक पे ना चली गई हूँ। डर गई ना? सच बता, डर गई ना? अम्मी ये क्या? पहले ये बता तू डर गई कि नहीं? अब आपकी उम्र इतनी हो गई फिर भी आपका बचपना खत्म नहीं हुआ। जाना ही नहीं चाहिए। सच बताएं, वही है जो सच्ची खुशी देता है। तू बात को घुमा मत, पहले बता कि तू डर गई थी कि नहीं। हाँ हाँ डर गए थे, ये देखिए हाथ अभी तक कांप रहा है। ये बात लेकिन अम्मी आप इतनी देर तक जागी हुई? इनफैक्ट हमें तो लगा कि आप शायद वॉक पर गई हैं। अरे तुझे बर्थडे विश करने के लिए। अब तो 12 बज गए ना, अब तो हो गई 7 तारीख, अब तो सही डेट है ना तुझे विश करने के लिए। बिल्कुल सही डेट। हेलो क्या करें सर, हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं था। किचकिच करके दिमाग खराब कर दिया था, गुस्से में आके छोटे ने 2-4 एक्स्ट्रा रख दिया, मर गया साला। लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में कुछ नहीं बताया उसने। लेकिन कुछ कुछ अंदाजा है कि वो हार्ड डिस्क कहाँ हो सकती है। पकड़े जाने से पहले वो इस पुलिस वाली से मिला था, हो सकता है कि उसने वो हार्ड डिस्क इस पुलिस वाली को दी हो। समझ गया सर, काम हो जाएगा। ओके क्या बोला सर ने? बोला कि किसी भी कीमत पर वो हार्ड डिस्क हासिल करो और इस पुलिस वाली को जान से मार दो। ये खाओ खुश रहो। यही है वो आदमी जिसने अभी कुछ ही देर पहले इमारत से कूदकर खुदकुशी की है। कौन है ये आदमी, कहां से आया है ये आदमी, क्यों की इसने खुदकुशी, ये सारे सवालों के रहस्य अभी तक घर में छुपे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो सत्या है, इसे तो हमने आज ही। जान प्यारी नहीं है आपको? जान किसे प्यारी नहीं है मैडम, डिलीवरी मुझे सही जगह पर सही समय पे पहुंचानी है। डिलीवरी तो है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती। मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी कयामत आ ही जाएगी। जो अपनी जान को कीमती समझता हो वो सुसाइड कैसे कर सकता है? क्या कर रहा है ये? अभी ठोक देते हैं ये पुलिस वाले को। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? पहले कंफर्म तो कर ले हार्ड डिस्क किसके पास है या नहीं है।
बाप बाप के घर निकलता है ना कंदर। ए रुको रुको, क्या भाई क्या परेशानी है, पीछा क्यों कर रहे थे हमारा? हेलमेट निकालो, हेलमेट निकालो, निकालो, आईडीज दिखाइए, अपने अपने दिखाइए आईडीज, क्या नाम क्या है तुम्हारा, आईडीज दिखाइए। कौन है ये लोग, हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? अगर इस आदमी का खून हुआ है तो किसने मारा होगा इसे और क्यों? पीछा क्यों कर रहे थे हमारा? हेलमेट निकालो, आईडीज दिखाइए अपने अपने। बाइक वाले हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या इन सारी बातों का कनेक्शन है इस मर्डर से? पर सत्या से हमारा क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ, इधर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हसीना मलिक ने मेरा चेहरा देख लिया। अब आगे क्या करना है? ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? कैप्टन का। हाँ? कौन सी टीम का था? टीम का नहीं, अपने कैप्टन का। अच्छा, क्या बोला? बोला आगे कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करेगा उनका सीक्रेट वेपन करेगा, अदृश्य हथियार। अदृश्य हथियार? दुबे, अनुभव, अनुभव का नाम इस लिस्ट में? ये तो इंडियन सीक्रेट एजेंट्स की लिस्ट है। डिलीवरी तो है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती? मैडम, अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी कयामत आ ही जाएगी। उसने सही कहा था, अगर ये डिस्क गलत हाथों में पड़ गई तो वाकई कयामत आ जाएगी। हमारे देश के सारे सीक्रेट एजेंट्स की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो देश के खिलाफ रची जाने वाली हर साजिश कामयाब हो जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेलो हसीना जी, हम जानते हैं कि वह अचानक हमारी आवाज सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन यह समय उन सवालों का नहीं है। हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। पहले हमें यह बताइए कि क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ हाँ, हमारे पास है, लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे हसीना जी, सबसे पहले आवश्यकता है आपकी सुरक्षा की। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उस हार्ड डिस्क में सक्रिय गुप्तचरों की एक लिस्ट है, जो अगर देश के दुश्मनों के हाथ लग गई तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी क्षति होगी हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए। उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए हमारे दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। हसीना जी, आपकी जान को खतरा है। क्या? वो आदमी सत्या, असली नाम विक्रांत, घनिष्ठ मित्र था हमारा। दुश्मनों को पता चल गया था कि वो हार्ड डिस्क उसके पास है, उसी कारण उसकी जान गई। और अब दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो हार्ड डिस्क आपके पास है हसीना जी, और उस हार्ड डिस्क तक पहुंचने के लिए वो हर संभव असंभव प्रयास करेंगे। इसलिए आप कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। निकलिए आप वहां से। देखिए, हम थाने में,
इससे सुरक्षित जगह और क्या? जी, आपके थाने के दो पिस्तौल, चार राइफल, दो डंडे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप निकलिए वहाँ से। इस लिस्ट में आपका नाम भी है, आपने कभी बताया नहीं कि आप? नहीं हसीना जी, ये समय बातों का नहीं है। आप कृपया करके वहाँ से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए, और जहाँ पर भी आप जाएंगी उस जगह के बारे में भी किसी को मत बताइएगा। आप समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, हमें भी नहीं। और हाँ, एक बात और, जीवित रहिएगा, बहुत कुछ है जो आपसे कहना है। जय हिंद। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम बस कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये मैडम सर अचानक से कहाँ चली गई? नहीं, अच्छा है ना, तब तक बाकी की जो तैयारियां बाकी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और चीता और पुष्पा जी भी आ जाएंगे ना केक और गिफ्ट लेके। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सब, तो हम हाँ तुम तैयारी करो, हम आते हैं, हम आते हैं। ओके मैडम, आपका जैकेट। धन्यवाद सर। मेरा मैडम कहाँ जा रही है, अब इतना सारा काम पड़ा है। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Mm-hmm.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.